मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम ये जो इवेंट करने जा रहे हैं 24, 25, 26 नवंबर को, ये मैं समझता हूँ अपनी नौयत का पहला ऐसा इवेंट है इस लेवल का और मैच का। पहले अटेम्प्ट नहीं हुआ ऐसा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान ट्रेवल मार्ट दोस्तों को, बुखारी ग्रुप वालों को, कि वो मेरे पास आए और उनने रियलाइज़ करवाया हमें ये बुनियादी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होना चाहिए था, हमें ये मूव करना चाहिए था। मगर टूरिज्म को प्रमोट करना फकत गवर्नमेंट नहीं कर सकती जब तक सोसाइटी इनिशिएटिव उसमें शामिल नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ना कोई हम टूरिस्ट साइट डेवलप कर सकते हैं, ना हम टूरिज्म को उस अंदाज में हम प्रमोट कर सकते हैं। दुनिया के कई ममालिक जिनकी GNP में बुनियादी कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टूरिज्म इंडस्ट्री की है, नेपाल से लेके कोस्टा रिका तक, पता नहीं कितने ऐसे ममालिक हैं जहाँ एग्रीकल्चर नहीं है, लैंडलॉक्ड हैं लाइक नेपाल, वहाँ पे समंदर साहिल नहीं है, उनके पास वेटलैंड्स नहीं है इतने बड़े, उनके पास सहरा नहीं है, मगर वो अपने वो मुल्क टूरिज्म इंडस्ट्री पे सर्वाइव कर रहे हैं। हमारे मुल्क के पास सब कुछ है, खुसूसन सिंध जो हमारा प्रोविंस है उसमें मैं कहता हूँ जिसके पास झीलें हों, वेटलैंड्स हों, हाईलैंड्स हों लाइक गोरख हिल, बड्डो जबल, कारुंजर हिल्स, जिसके पास 250 किलोमीटर से ज़्यादा कोस्टल लाइन हो, कोस्टल बेल्ट हो, जिसके पास रेगिस्तान हो और चारों वेदर्स वहाँ पे हो, चारों मौसमें, वहाँ पे टूरिज्म का प्रमोट ना होना ये हमारी कोताही भी हो सकती है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है और ओवरऑल सारी पूरी सोसाइटी पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम उसको उस अंदाज में प्रमोट नहीं कर पाए। मगर देर आए दोस्त आए कि इन दोस्तों का जो आइडिया था, इनिशिएटिव था, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि हम मिलके, हमें उनने इनवाइट किया है, हमारे पास वो चल के आए हैं, ये इनिशिएटिव सोसाइटी के और अगर डिफरेंट शोबों में और डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ में अगर इस तरह का कोई मेल और इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन बने तो डेफिनेटली वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम मिल के इसको होस्ट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सिंध, स्पेशली STDC सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ट्रेवल मार्ट, पाकिस्तान ट्रेवल मार्ट, इसको हम मिल के होस्ट कर रहे हैं। ये इवेंट न फकत इनबाउंड टूरिज्म को सपोर्ट करेगा, आउटबाउंड टूरिज्म को सपोर्ट करेगा, बाहर के विजिटर्स यहाँ पे आएंगे, जिसमें कुछ ममालिक को एंगेज कर रहे हैं जैसे एशिया के ममालिक हैं, टर्की है, मलेशिया है एंड सम डिफरेंट अदर कंट्रीज, उनको भी ऑन बोर्ड करेंगे इसमें। और स्पेशली जो नेशनल लेवल पे जो इंटर प्रोविंशियल एक हारमनी क्रिएट होगी इस इवेंट से, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ना फकत टूरिज्म की बात है मगर जो सूबों के बीच में, कौमों के बीच में, मुख्तलिफ एरियाज के लोगों के बीच में एक हारमनी और एक हारमोनिक कल्चर डेवलप होगा। और ये खुशी है कि ये स्टार्ट कराची से हो रहा है और कराची इसको होस्ट कर रहा है, या कराची में एक्सपो सेंटर में ये इवेंट होगा। इस इवेंट के हवाले से सिंध गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है हम, क्योंकि हम होस्ट हैं, और वैसे भी पीपल्स पार्टी का ये मंशूर रहा है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, कि हम प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ लेकर चलें, हम उनको ऑन बोर्ड करना चाहते हैं, ये उसका मैसेज है यहाँ पे बैठ के इस इवेंट के थ्रू और इस कोलाब्रेशन के थ्रू जो हम देना चाह रहे हैं कि हम मिलके, हम काम हमें करना है और हम मिलके काम करेंगे। लाइन ऑर्डर के हवाले से टूरिज्म का प्रमोट ना होना और कई वजूहत होंगी उसकी, मगर उसमें सबसे बड़ा जो हर्डल रहा है हमारे सामने, जो ऑब्स्टेकल रहा है, वो अगेन लाइन ऑर्डर सिचुएशन रहा है। खुशकिस्मती से कुछ सालों से, लास्ट कुछ बरसों से अब लाइन ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी मेंटेन है, लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं था मोहनजोदड़ो आप शाम को 6 बजे मोहनजोदड़ो लाड़काना शहर छोड़ के आप मोहनजोदड़ो जा सको। नाउ यू कैन ट्रैवल, आप गोरख हिल जा सकते हो, कारुंजर नगर पार्कर से निकलो, आप रात को 12 बजे मोहनजोदड़ो के रेस्ट हाउस पे पहुंच सकते हो।
अब ये सिंध में है, ये हमें दूसरे बाहर बैठे लोगों को बताना है, हमें उनको ये कन्विंस करना है कि भाई अब वो सिचुएशन नहीं है कि आप कराची से निकलते हुए, लाहौर से निकलते हुए भाई सिंध जाएंगे, डाकू बैठे हुए हमें किडनैप करके ले जाएंगे वहाँ से, वो नहीं है बात। इंतहा पसंदी पूरी दुनिया और आलम इंसानियत का चैलेंज बन चुकी है, फकत वो हमारा नहीं है। ये ठीक है, हम उनकी जो है वो टारगेट पे हैं, हम उसको फेस कर रहे हैं, वो तो हर जगह पे है, वो अमेरिका में भी उसका थ्रेट है, जर्मनी में भी उसका थ्रेट है, तो क्या टूरिज्म पीछे चला जाएगा? वो तो इंटरनेशनल लेवल पे उसको कॉम्बैट करना है, फाइट करना है, हम कर रहे हैं। मगर जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो क्राइम के हवाले से जो थी, अब वो नहीं है। ये हम मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को कि आप आए, आप घूम सकते हो, आप मोहनजोदड़ो जा सकते हो, 5000 साल इंसानी तहजीब के वो आप यादगार देख सकते हो, यू कैन कम। अब वो सूरत हाल नहीं है। तो ये इवेंट वो एक मैसेज है जो यहाँ से ट्रेवल करेगा नेशनल हुकअप पे और इंटरनेशनल हुकअप पे। जितने इंटरेस्टेड लोग हैं, कई लोग ऐसे, हम मोहनजोदड़ो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हम इंटरनेशनल स्कॉलर्स बुला रहे थे उसको, लास्ट फेब में हमने जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मोहनजोदड़ो पे, बहुत से बाहर के जो डेलीगेट्स थे उनका कंसर्न ये था कि हम वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे, क्या होगा। वो जब वहाँ पे आए, हमने होस्ट किया उनको, उनका एतबाद बहाल हुआ। अब मैं समझता हूँ कि लास्ट में 35 आए हमारी कॉन्फ्रेंस में बाहर के स्कॉलर्स, अगर नेक्स्ट ईयर हम करेंगे तो उसमें 70 से ज़्यादा शिरकत करेंगे। बात इनिशिएट लेने की है, बात कदम उठाने की है, कदम उठा रहे हैं तो नतीजे आएंगे।